केंद्र सरकार देश में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई तरह से सहायता करती है। केंद्र सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं लाती रहती है, जिससे उनकी मदद की जा सके। उन्हीं में से एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत देश के गरीब लोगों को मुफ्त चावल, गेहूं, राशन की मदद की जाती है। इस योजना का लाभ राशन कार्ड धारकों को दिया जाता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाले गेहूं और चावल के कोटे में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने गेहूं के कोटे को घटा दिया है और चावल के कोटे को बढ़ा दिया। यह बदलाव कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इस बदलाव के बाद इन राज्यों के लोगों को पहले के मुकाबले कम गेहूं और ज़्यादा चावल मिलेगा। सरकार ने कई राज्यों में मई से लेकर सितंबर तक मिलने वाले गेहूं के कोटे में बदलाव किया है। सरकार ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल में गेहूं के कोटे में कटौती करके चावल ज़्यादा देने का फैसला किया। वहीं बाकी बचे राज्यों के गेहूँ और चावल के कोटे में किसी तरह के बदलाव नहीं किए गए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि इस बार सरकार द्वारा गेहूं की खरीद बहुत कम की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार करीब 55 लाख मीट्रिक टन चावल पिछले साल के मुकाबले लोगों के बीच ज्यादा बांटा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।